बुंदेली गौरव पांडे ब्लॉक्स में एक बार फिर से स्वागत है। सुबह सुबह का मौसम है, चलिए सबसे पहले हम भोले बाबा को जल चढ़ाने मोहल्ले के मंदिर में चलते हैं। जब हम मंदिर जाएंगे ठीक उसके बाद हम शाखा जाएंगे। शाखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हम जाएंगे, वहाँ खेल खेलेंगे कबड्डी और वहाँ गीत गाएंगे। भारती माँ के उपासक मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी घेरे रहा है संकटों के मादिलों से जो फिर से आतंकवादी राष्ट्र के रक्षा बलों से संगठित सामर्थ्य बल से चोट दे अरि को करारी चोट दे अरि को करारी भारती माँ के उपासक मातृ मंदिर के पुजारी कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति भरत भूके पुत्र सारे जाति बंधन मुक्त होकर विश्वास सबका स्नेह श्रद्धा युक्त होकर बुद्ध नानक जैन वैदिक प्रकृति पूजक धर्मधारी प्रकृति पूजक धर्मधारी जगति पूजक धर्मधारी भारती माँ के उपासक भारती माँ के उपासक मातृ मंदिर के पुजारी मातृ मंदिर के पुजारी कर
कर रहे माँ को समर्पित, कर रहे माँ को समर्पित संगठन की शक्ति सारी, संगठन की शक्ति सारी। दोस्तों दोपहर का मौसम हो गया है, अब मुझे भूख भी लगाई है। मैं सोचता हूँ कुछ नाश्ता किया जाए। मैंने सोचा मेरे पास कुछ सूखे मक्के रखे हुए हैं, उनको मैं पॉपकॉर्न बनाता हूँ। मैंने गैस जलाया, उस पर कुकर रखा। कुकर रखने के बाद उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालता हूँ। तेल कोई भी हो सकता है, सरसों का भी हो सकता है, रिफाइंड भी हो सकता है, कोई भी तेल आप थोड़ा सा डाल दें और गैस को थोड़ा तेज कर दें। गैस तेज करने के बाद उसमें हमको थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालना है। आप ध्यान रखें जब थोड़ी थोड़ी तेल की आवाज़ आने लगे तो उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक डालें। अब देखें दोस्तों, जब तेल और हल्दी डाल दें तो उसमें अब हमको सूखे मक्के डालने हैं। हम देखते हैं हमारा तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है, हल्दी भी अच्छी पक गई है और नमक भी हम डाल चुके हैं। अब हम उसमें थोड़े से सूखे मक्के डालते हैं। सूखे मक्के डालने के बाद हम उसको एक चम्मच से या हिलाते हैं। अब हमको चम्मच से कुकर में धीरे धीरे गोल गोल हिलाना है और यह प्रक्रिया तब तक हम जारी रखेंगे जब तक मक्का धीरे धीरे पॉपकॉर्न में कन्वर्ट नहीं होते हैं। हम हिलाते रहेंगे और गैस को तेज रखेंगे और हिलाते रहेंगे। हम देखते हैं हमारे मक्का धीरे धीरे पकने लगे हैं और हम देखते हैं कि कुकर भी गर्म है। दोस्तों ध्यान रखना, कुकर गर्म है आप उसको ना छुए क्योंकि वह गर्म हो जाता है, आप जल सकते हैं, आप जल सकते हैं। आप अपने इसको चम्मच से मक्का को हिलाते रहे। देखिए दोस्तों मक्का फटने लगा है और धीरे धीरे पॉपकॉर्न एक दो दिखने लगे हैं हमको। आप हिलाते रहिए हिलाते रहिए। अब आपको क्या करना है कि कुकर को ढक्कन से ढकना है और उसकी सीटी निकाल देना है। हम देखते हैं कि कुकर से धीमी धीमी आवाज़ आने लगी है, मतलब मक्के फटने लगे हैं और पॉपकॉर्न बनने लगे हैं। वाह वाह, तो मज़ा आ जाएगा पॉपकॉर्न खाने में। आज तो असली नाश्ता तो यही है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा। दोस्तों हमको तब तक इंतज़ार करना है जब तक कुकर से मक्के के फटने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही आवाज़ बंद होती है हम कुकर खोल लेते हैं। मैंने अपने परिवार के सदस्यों के अनुसार, मम्मी पापा छोटा भाई के अनुसार 5 प्लेट लगा दी हैं। कितने अच्छे मक्के हमने बना लिए हैं। हम चम्मच से सबको प्लेट में रख रहे हैं। इस प्रकार हमने 6 चम्मच मक्का डाला था और मैं देखता हूँ मैंने 6 प्लेट मक्का पॉपकॉर्न तैयार कर लिया है। आज तो मेरे साथ साथ पूरे परिवार को मज़ा आ जाएगा। वाह, आज तो मम्मी भी बहुत खुश हो जाएंगी कि मैंने स्वयं मक्के बना करके पॉपकॉर्न बना करके उनको दिए हैं। दोस्तों आप घर में भी पॉपकॉर्न खुद बना सकते हैं। देखो मैंने 6 प्लेट तैयार कर ली है अपने किचन में, अब मैं सबको दूंगा। और दोस्तों आप भी बनाइएगा और मेरा निमंत्रण करें, मैं जरूर आपके यहाँ पर पॉपकॉर्न खाने के लिए आऊंगा। आप बनाइए, घर में ही मक्का बनाइए। दोस्तों आपने देखा किस प्रकार मैंने पॉपकॉर्न अपनी किचन में घर में ही बनाए हैं और उन पॉपकॉर्न को मेरे मम्मी ने, पापा ने
और मेरे छोटे भाई शिवम ने भी खाए हैं। तो आइए किस प्रकार हम मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं पॉपकॉर्न का। मुझे तो इतनी भूख लगी है कि मैं ऐसे ही खाऊंगा अपनी जीभ से। थोड़ा अब रुक के खाते हैं और जल्दी पॉपकॉर्न फिनिश करते हैं। आप भी आकर मेरे साथ पॉपकॉर्न खा सकते हैं और पॉपकॉर्न का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, अब मुझे मेरे मोहल्ले के भाई हैं, उनको COVID-19 का वैक्सीन लगवाने जाना है। चलते हैं छतरपुर में किस प्रकार होता है COVID-19 वैक्सीनेशन। दोस्तों, अगर आपने COVID-19 वैक्सीनेशन का टीका नहीं लगवाया है तो आप अपने नजदीकी केंद्र जाइए और COVID-19 का वैक्सीनेशन जरूर कराइएगा। COVID-19 का वैक्सीन होता होगा वैक्सीनेशन, और हमारी सिस्टर मेरी वैक्सीनेशन करती हुई, और काफ़ी भीड़ हुई है, आजकल हो रही है, लोगों में काफ़ी उत्साह है वैक्सीनेशन हेतु। दीदी द्वारा COVID-19 का वैक्सीनेशन होता हुआ, दीदी वैक्सीनेशन करती हुई, COVID-19 वैक्सीनेशन, कोरोना भगाओ भारत से, कोरोना किल अभियान। दोस्तों, अगर आपने COVID-19 का वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है तो COVID-19 का वैक्सीनेशन जरूर कराएं और कोरोना से बचें और कोरोना को हराने में भारत सरकार का और सहयोग करें और अपने आप अपने मित्रों और परिवार को भी कोरोना से बचाएं। अगर उन्होंने भी COVID-19 वैक्सीन नहीं लगवाई हो तो उनको भी COVID-19 वैक्सीनेशन हेतु आप नज़दीकी केंद्र भेजें। आप देख रहे हैं रामजी महाराज की शोभा यात्रा हमारे मोहल्ले में आ रही है। उनका राम कथा उनके द्वारा मोहल्ले में आयोजित की जा रही है। हम दिखाते हैं श्री राम महाराज जी की शोभा यात्रा। आपने इस चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी दे सकते हैं। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को सादर वंदे मातरम।